Good morning, dear children. Welcome to your English class. Today we are going to read a comprehension. So, आज हम क्या करने वाले हैं? Comprehension reading. Let's start. पहले हम एक लिखेंगे और फिर देखेंगे उसे कैसे किया जाता है. तो, let's start writing. I, H-A-V-E, have, T-W-O-2, F-R-I-E-N-D-S. फ्रेंड्स, मेरे दो फ्रेंड्स हैं. टी एच ई आई आर देयर, एन ए एम ई एस नेम्स, ए आर ई आर, जी आर ई जी ग्रेग, ए एन डी एंड बी आर ए डी वाई ब्रेडी. डब्ल्यू ई वी एल आई के ई लाइक, टी ओ टू, पी एल ए वाई प्ले, S W I N G swing. W E V L I K E like, T O 2 P L A Y play, I N in, P H E the, P L A Y G R O U N D playground. So this is a comprehension. मैंने छोटा सा आपको लिखवाया है ताकि आपको समझ आए हम कैसे करेंगे. सो हमने पैसेज लिखा है, हम इसे पहले रीड करते हैं. ठीक है, नाउ अब कुछ क्वेश्चंस मैं लिखने वाली हूँ. आई हैव डैश फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस पैसेज में से ढूंढने हैं. ठीक है, आई हैव डैश फ्रेंड्स. सेकंड, देयर नेम्स आर डैश. थर्ड, वी एल आई के ई लाइक, टी ओ टू, पी एल ए वाई प्ले, इन द डैश. सो एक शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको करवा रही हूँ आज. लेट्स सी अब इसे कैसे रीड करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रीडिंग करेंगे. आई हैव टू फ्रेंड्स. Their names are Greg and Brady. We like to play swing. We like to play in the playground. Fine. हमने पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. क्या पूछा गया है? I have dash friends. So, I have how many friends? कितने फ्रेंड्स हैं मेरे? हमने यहां पढ़ा I have टू फ्रेंड्स. सो क्या आएगा आंसर? टी डब्ल्यू ओ टू. नेक्स्ट, देयर नेम्स आर डैश. उनके नाम क्या है? देयर नेम्स आर ग्रेग एंड ब्रेडी. सो देयर नेम्स आर ग्रेग, जी आर ई जी ग्रेग, ए एन डी एंड बी आर ए डी वाई ब्रेडी. नेक्स्ट, वी लाइक टू प्ले इन द डैश. सो वी लाइक टू प्ले इन द, हमें कहाँ खेलना अच्छा लगता है? वी लाइक टू प्ले स्विंग. स्विंग आएगा? नो, क्योंकि वहां क्या लिखा है? इन द. इन द मतलब कहाँ खेलना अच्छा लगता है. वी लाइक टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड. सो पी एल ए वाई जी आर ओ यू एन डी प्ले ग्राउंड. सो समझ में आया हमने कैसे किया? इस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर उस पैसेज में से रीड करके फाइंड आउट करने होते हैं. ठीक है, तो इन कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग प्रैक्टिस आपको करनी है. सो डू इट. थैंक यू फॉर लर्निंग. कीप वॉचिंग. स्टे सेफ.